सीकर में परम पूज्य संत प्रवर रामदास जी महाराज पूर्णासर धाम की सदप्रेरणा व पावन सानिध्य में आगामी 1 जुलाई को सिद्धपीठ श्री देवीपुरा धाम में विराजे दक्षिण मुखी श्री बालाजी महाराज को 11.25 क्विंटल आटे ड्राई फ्रूट सूजी शुद्ध गाय के देसी घी से तैयार किए गए कुल वजन 2700 किलोग्राम के रोटे का बालभोग 1 जुलाई शनिवार को सुबह 8:15 बजे लगाया जाएगा। इस वृहत स्तरीय योजना को लेकर जानकारी देते हुए महंत ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि शेखावाटी अंचल में पहली बार बालाजी की विशेष कृपा से एवं संतों के पावन सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में हजारों बालाजी के भक्त साक्षी बनेंगे। उन्होंने बताया कि 30 जून को मंदिर प्रांगण में रोटी बनाने के कुशल कारीगरों के द्वारा पूरी तैयारी के साथ कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए तैयार विशेष भट्टी में गाय के गोबर कंडों से तैयार अग्नि में बड़े तवे व बेलन की सहायता से रोटा तैयार कर उसकी सिकाई पकाया की जाएगी, जिसमें तकरीबन 18 घंटे का समय लगेगा। इस दौरान अखंड संकीर्तन भजन मंत्रोच्चार विद्वानों द्वारा किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि आयोजन की तैयारियां महाराज श्री बापजी के सानिध्य में विधि विधान से प्रारंभ कर दिया गया है। रोटे को तैयार करने में काम में आने सभी संसाधन मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों के लिए रखे गए हैं। आयोजन के पश्चात नई पीढ़ी के लिए इन सभी को संजो कर रखा जाएगा। सूरत जोधपुर फलौदी पूर्णासर के भक्त पूरी शुद्धता व विधि के अनुसार रोटा बनाने के लिए पूरी टीम के साथ व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। सहयोगी के रूप में सीकर के भक्तगण अपनी सेवाएं देकर आयोजन को सफल बनाने में जुट गए हैं। श्री देवीपुरा बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने जनपद के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों व माताओं व बहनों से इस आयोजन में भाग लेने का आग्रह किया है। शर्मा ने बताया कि बालाजी के भोग प्रसादी लगाने के बाद रोटे का मशीनों द्वारा चूरमा तैयार करवाकर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। देखिए सीकर से मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट। आज सिद्धपीठ देवीपुरा बालाजी मंदिर के प्रांगण में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आगामी 1 जुलाई 2023 को एक 1125 किलो आटे का रोटे का भोग लगाने का रामदास जी महाराज के साधने में आयोजन किया जाएगा। इसमें आटे के अलावा 4 क्विंटल देसी गाय का घी और करीबन 7 क्विंटल के आसपास चीनी और ड्राई फ्रूट्स इत्यादि लगेंगे। इसके निर्माण के लिए करीबन 1100 किलो के बेलन और इसका तवा बनाया गया है, जो मंदिर प्रांगण में रखा गया है। भविष्य में ये तवा और बेलन दर्शनार्थियों के लिए देवीपुरा बालाजी के प्रांगण में ही रहेगा। अगर कोई भाई ऐसा ही रोटे का प्रोग्राम करना चाहता है या चाहेगा भविष्य में, तो देवीपुरा बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट तवा और बेलन उनको रोटे बनाने के लिए दे देगा। रोटे बनाने के पश्चात ये संपत्ति वापिस देवीपुरा बालाजी के मंदिर के प्रांगण में ला सकता है।